Hello students, it is my fourth video of the same chapter, Molecular Basis of Inheritance. In this video, I will discuss with you about central dogma, reverse transcription and semi-conservative theory. 3 points I will discuss in this video. Central dogma, ये एक मॉलिक्यूलर स्टेट है, सेल के अंदर होती है, जिसमें जो इंफॉर्मेशन होती है दे फ्लो इन वन डायरेक्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए की तरफ इंफॉर्मेशन जाएगी। यहां पर देखिए डीएनए है, इस डीएनए ट्रांसक्रिप्ट द आरएनए, यानी आरएनए जो है डीएनए के टेम्पलेट पर सिंथेसाइज होता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए जब सिंथेसाइज होता है, ये आपके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, प्रोटीन चेन बनाता है, और ये प्रोटीन चेन जो होती है, इट इज हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। तो सेंट्रल डॉग्मा में डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, फिर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। इस डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ऑल द इंफॉर्मेशन आर स्टोर इन द डीएनए विच आर ट्रांसक्रिप्ट टू द मैसेंजर आरएनए। वो सारी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को दे दी जाती है। अब देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात आती है, इसमें टैमिन ने बताया 1970 में कि जो वायरसेज है उनके अंदर भी सेंट्रल डॉग्मा होता है, लेकिन वो सेंट्रल डॉग्मा जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से होता है। किससे होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से होता है, क्योंकि जो वायरस है दे हैव द जेनेटिक मटेरियल आरएनए। तो ये जो आरएनए है ये सबसे पहले इस आरएनए से डीएनए बनता है इन द बॉडी ऑफ द होस्ट सेल, और वहां पर ये जब डीएनए सिंथेसाइज होता है होस्ट सेल में, ये आरएनए बनाता है जिसको आप ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और ये आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट हुआ है फ्रॉम द डीएनए व्हिच वाज सिंथेसाइज्ड बाय द आरएनए, दैट नाउ दिस आरएनए मेड द प्रोटीन चेन। ये आरएनए प्रोटीन चेन को बनाता है। अब देखिए यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, प्रोटीन बन गई, जैसे कि हमारा एचआईवी वायरस करता है एड्स के अंदर, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में होती है। देखिए ये जो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये दो हेलिकल से जब रेप्लिकेशन होता है ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब जब दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, एक आपका ओल्ड स्ट्रैंड है और एक आपका अनदर ओल्ड स्ट्रैंड है। अब दो ईच ओल्ड स्ट्रैंड सिंथेसाइज द न्यू स्ट्रैंड, तो इसका मतलब जो डीएनए रेप्लिकेट होकर बनता है उसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड है, यानी पैरेंट स्ट्रैंड है, और एक आपका न्यू स्ट्रैंड यहां पर आता है। समझ आप? अब यहां पर जो सिंथेसिस है और जो रेप्लिकेशन है ऑफ द डीएनए हो रहा है, इट इज बाय ए सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी। ये एक सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी होती है और उसके ऊपर होता है, और इसमें देखिए ये जो सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी है इट वाज गिवन बाय मेंडेलसन एंड स्टॉल 1958 में प्रपोज की थी। इन्होंने क्या किया, दे टुक द ई कोलाई, इन्होंने एक ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया और इस ई कोलाई बैक्टीरिया को दे अलाउड टू ग्रो इन अमोनियम क्लोराइड कल्चर मीडियम, जो अमोनियम क्लोराइड का कल्चर मीडियम था उसमें ग्रो किया। इसमें क्या था कि जो नाइट्रोजन था ये हैवी नाइट्रोजन, अब ये जब कल्चर मीडियम में ई कोलाई ग्रो हुआ तो उसने देखा कि कितने भी स्ट्रैंड थे दे ऑल वर द N15, क्योंकि N15 इज टेकन फ्रॉम द अमोनियम क्लोराइड N15, that was the source of nitrogen today. तो जब इसको इन्होंने CSCl सीसियम क्लोराइड के अंदर स्टडी किया, वहां से कंफिगरेशन किया, तो उसमें डिस्टिंग्विश हुआ, इसमें डिफरेंस किया गया कि कौन सा नॉर्मल डीएनए और कौन सा हमारा हैवी डीएनए।
इट वाज बेस्ड ऑन द डेंसिटी ग्रेडियंट। ये सारा का सारा डिफरेंशिएशन था, कौन सा हैवी है कौन सा नॉर्मल है, ये हमारा डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पर। अब ये जो ई कोलाई है, इट वाज ट्रांसफर इनटू द मीडियम NH4Cl। यहाँ पे नाइट्रोजन 14 है, उसके अंदर ये किया गया। तो अब इन्होंने इन सैंपल को लिया और इनका भी डेंसिटी ग्रेडियंट टेस्ट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ सीशियम क्लोराइड। तो अब देखा गया कि ये जो ई कोलाई है, इट मल्टीप्लाई इन 20 मिनट्स, 20 मिनट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 20 मिनट्स के बाद जो फर्स्ट जनरेशन आई, उसमें देखा गया कि यहां पर दे वर द हाइब्रिड, ये हाइब्रिड थे। और जब इस एफ फर्स्ट जनरेशन के जो हमारे ई कोलाई थे, इनको इन द सेम कल्चर मीडियम अलाउ टू मल्टीप्लाई फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट्स, तो यहां देखा गया सेकेंड जनरेशन में हाइब्रिड डीएनए भी थे और हमारे लाइट डीएनए भी थे। तो हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए का एक साथ प्रेजेंस होना, ये शो करता है कि दैट दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी। मतलब ये जो है सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी से प्रोड्यूस हुए हैं। तो सिमिलर एक्सपेरिमेंट दे हैव डन, सिमिलर एक्सपेरिमेंट वाज डन ऑन द बीसीआर फेबा। ये फेबा बीन्स है, इसके ऊपर किया गया बाय द टाइलर एंड हिज कलीग्स। उसके टाइलर के कलीग्स ने किया और उसने किया।